हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर मतभेद बने हुए हैं, जो कि पाकिस्तान हमेशा उकसावे की कार्रवाई करता रहता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अब भारत से पंगा लेना काफ़ी मुश्किल है। पाकिस्तान की लीडरशिप और वहाँ की आम जनता भी यह अच्छी तरीके से जानती है कि उनका देश अब इंडिया से लड़ने से पहले कई बार सोचेगा। प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा कि पहले जब कभी भी पाकिस्तान ने भारत से पंगा लिया तो अमेरिका का उसे साथ मिला था, चाहे वह 1971 की बात हो चाहे फिर 1965 की बात हो। अब अमेरिका यूएस पाकिस्तान का समर्थन करने नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसे अब भारत की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोफेसर के द्वारा यह भी कहा गया कि पाकिस्तान अगर भारत पर किसी तरह के हमले की बेवकूफ़ी करता है तो उसे पछताना पड़ेगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इंडिया में आजकल पीओके को लेकर नैरेटिव बन रहा है। अगर भारत चाहे तो जंग का ऐलान करके पीओके और बाकी इलाकों को भी अपने में मिला सकता है। मुक्तदर खान जी ने कहा कि पाकिस्तान अगर उकसाता है तो भारत उसे संभलने का मौका नहीं देगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अब भारत को न उकसाए, क्योंकि इंडिया काफ़ी ताकतवर हो चुका है। इस वक्त अगर छेड़छाड़ की गई तो पीओके इंडिया में आ सकता है। और दूसरी खबर है, जब हम कोई बाइक या कार खरीदते हैं तो उसके तमाम फीचर के अलावा उसके माइलेज के बारे में भी पता करते हैं, यानी एक लीटर पेट्रोल या डीजल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है, यानी यात्रा में आने वाला खर्च गाड़ी में लगने वाले ईंधन मुख्य रूप से निर्भर करता है। इसलिए ईंधन का रेट बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है। हवाई जहाज भी यातायात का एक साधन है, इसको चलाने के लिए भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से बाइक के इंजन में ईंधन की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हवाई जहाज के इंजन में भी ईंधन की जरूरत पड़ती है। यह ईंधन पेट्रोल डीजल से अलग होता है। ऐसे में यह जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि यह विशालकाय विमान एक लीटर में कितनी दूरी तय करता है और प्लेन का माइलेज कितना होता है। ईंधन की खपत जानने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़े विमान बोइंग 747 के बारे में जानेंगे। इस विमान की औसत स्पीड करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। विमान में एक साथ में 500 यात्री सफर कर सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो बोइंग विमान प्रति सेकंड में लगभग 4 लीटर ईंधन की खपत करता है। इस हिसाब से एक मिनट की यात्रा के लिए यह 240 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। एक बोइंग 747 विमान 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर फ्यूल की खपत करता है और यह एक घंटे में 14,400 लीटर ईंधन खपत करता है। और इस प्लेन में मैक्सिमम 568 लोग सफर कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।